नमस्कार, न्यूज 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बनमनखी से बिहारीगंज तक जल्द ही विद्युत इंजन से ट्रेन दौड़ेगी। दरअसल इसका निरीक्षण किया गया है, जो अधिकारी है उसका निरीक्षण किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से निरीक्षण करने के बाद सहरसा पहुंचे जो अधिकारी है वो मीडिया को सारा बात बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जल्द ही 30 किलोमीटर की दूरी पर जो विद्युत इंजन नहीं चल पा रही थी और उसका निरीक्षण किया गया है और जल्द ही इसका जो है ट्रेन का जो परिचालन है वहाँ से विद्युत इंजन का वो शुरू किया जाएगा। अब हम आपको पूरी जानकारी दे दें कि क्या कुछ बनमनखी से बिहारीगंज के बीच बाकी बचे 30 किलोमीटर रेलखंड पर हुए विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पूरा कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है, सारा चीज़ जो है वो दुरुस्त पाया गया है। इसको लेकर जो प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता रंजन श्रीवास्तव और समस्तीपुर डिवीजन के ADRM JK सिंह ने बनमनखी से बिहारीगंज विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। कार्य में सारा चीज़ जो है वो दुरुस्त पाया गया है। बता दें कि अभी फिलहाल बनमनखी तक ही जो विद्युत जो इंजन है वहाँ तक जा पाती थी और उसके बाद जो है वहाँ पर इंजन की चेंजिंग होती थी, डीजल इंजन की लाकर जो है वहाँ से जो है बनमनखी से बिहारीगंज तक जो है डीजल इंजन से चलाया जाता था। लेकिन अब बहुत जल्द ही वहाँ पर जो है विद्युत इंजन से जो है बिहारीगंज तक जो ट्रेन का परिचालन है वो किया जाएगा। इसको लेकर जो निरीक्षण है वो पूरा कर लिया गया है और निरीक्षण में सारा कुछ दुरुस्त पाया गया है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, पहले वो आप सुने। मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निरीक्षण के वही ऑथोराइज हैं, ऑथोराइजेशन के लिए कॉम्पिटेंट हैं। जी जी, तो उन्होंने इंस्पेक्शन किया और सही पाया, संतोषजनक रही। और स्पीड ट्रायल भी इलेक्ट्रिकल इंजन से उन्होंने किया विद्युत चार्ज करने के बाद। तो सेक्शनल स्पीड से 10% अधिक स्पीड पर किया और संतोषजनक रहा, तो काम पूरा हो गया है, ऑथोराइजेशन मिल जाएगा। ये कब तक सर ट्रेन का परिचालन होगा? अब ट्रेन की उपलब्धता की जाएगी विद्युत वाली, इसके बाद चालू हो जाएगा, बाकी काम पूरा हो गया। अच्छा सर, ये गड़बड़